अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख, आप देख रहे हैं सोलापुर नामा। आज हम अपने दर्शकों को बीड़ी घरकुल का 6वां एपिसोड स्टोरी बताने जा रहे हैं, कैसे झोलमाल और गोलमाल की तर्ज पर संस्था काम कर रही है, कैसे लोगों से पैसे भी सरेआम मांग रही है। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का वो इतिहास बताने जा रहे हैं जो 18वीं सदी यानी 350 वर्ष पहले कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की थी। उनका सपना था कि गरीब मजदूर वर्गों के लिए न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़े। कार्ल मार्क्स ने जो सपना सजोया था वो वास्तविकता में मजदूर संगठनों के लिए, मजदूरों के लिए, बाद में से धीरे धीरे ये एक राजनीतिक रूप धारण कर चुका और एक राजनीति का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कम्युनिस्ट पार्टी का। बड़े सिद्धांत और विचारधारा वाली पार्टी है ये, त्याग और बलिदान की रखने वाली ये पार्टी है। लेकिन सोलापुर शहर में इस पार्टी बैनर के नीचे जो कामकाज हो रहा है वो पार्टी के विचारधारा के टोटल विरोध में दिखाई दे रहा है। गुदुताई घरकुल निर्माण संस्था जिसके 30-40% कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और वो कामकाज देख रहे हैं, आज बीड़ी घरकुल के अंदर जो अवस्था बनी है, जिस तरह से कामकाज हो रहा है, उस पर हम लगातार 5 एपिसोड अपने सोलापुर के दर्शकों को, जिला प्रशासन को बताया है। लेकिन कार्रवाई ज्यों की त्यों है, कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। कार्रवाई नहीं करने के पीछे क्या मंशा है, क्यों नहीं जिला प्रशासन इस संस्था को बर्खास्त कर प्रशासन या प्रशासकीय के हाथ में क्यों नहीं सौंपता, ये अनसुलझ रहस्य माना जा रहा है। किस दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, कई न्यूज़ चैनलों पर और हमारे पास भी कुछ ऐसे ठोस प्रमाण मिले हैं जो बीड़ी घरकुल का जो प्रभारी जो इंचार्ज है विलियम ससाने ने किस तरह से वेस्टेज वाटर के निकासी के लिए पैसे की खुलेआम मांग की थी। उस महिला ने स्पष्ट तौर पर बताया कि 90,000 रुपये उसने मांगा था। और दूसरी बात कि बीड़ी घरकुल में किस तरह से जबरन इनकी जो जीवन मार्ग की एक मैगज़ीन आती है, हर मैगज़ीन को महीने में 2 या 3 दफ़ा 10 रुपये बीड़ी घरकुल में डिस्पैच करते हैं, यानी हर घर को ये देते हैं। इसके पीछे उनका क्या मकसद है, इस पैसे का वो किस तरह से निपटारा करते हैं वो खुद ही जानते हैं। मगर बीड़ी घरकुल के नागरिकों का जो शोषण हो रहा है उस पर हम प्रशासन को बार बार बताने जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इसको तरजीह नहीं दे रहा है। सोलापुर महापालिका शहर के निवासियों से 1800 के करीब प्रतिवर्ष पानी का टैक्स लेती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के सोसाइटी में बीड़ी घरकुल में 2,020 रुपये लेती है और 11 दिन यानी 33 दिन में 3 दफ़ा पानी देते हैं और 170 रुपये ये टैक्स लेते हैं। ये कैसा मनमानी कारोबार है और इस पर प्रशासन की चुप्पी क्यों है। हम कई विधायकों से संपर्क किया है कि बीड़ी घरकुल के 40-50 हज़ार लोगों की समस्या के लिए आप विधानसभा में ये लोकी लें और सरकार को सचेत करें कि किस तरह से बीड़ी घरकुल में 40,000 लोगों का शोषण हो रहा है। अभी तक ग्राम पंचायत का पता नहीं, नगर परिषद का पता नहीं, महापालिका तो दूर दूर की बात है, महापालिका में तो बीड़ी घरकुल जा ही नहीं सकता। अक्कलकोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुंभारी घरकुल से सटा बीड़ी घरकुल की वसात है, हर समस्या से जूझ रहे लोग, कोई हल नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई कामकाज नहीं, केवल राम भरोसे
बीड़ी घरकुल की संस्था अपने मनमानी और हिटलरशाही के तौर पर कामकाज कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। सभासदों ने 15 वर्ष में अपने संचालकों का चुनाव नहीं कर पाया। DDR की मिलीभगत से ये हर 5 साल चार दीवारी में चुनाव संपन्न कराते हैं। हम हर बात को अपने दर्शकों को और सोलापुर की जनता को अवगत कराते हैं कि बीड़ी घरकुल के कामकाज पर हमारी कड़ी नज़र है, न ही बल्कि हम किसी विरोध में या जानबूझकर ऐसे सवाल नहीं खड़ा करते। ये कोई हमारी पर्सनल व्यक्तिगत शत्रुता नहीं, केवल उनके कामकाज से उब चुके 15 वर्ष तक कब तक सहते रहेंगे बीड़ी घरकुल के वासी, यही सोलापुरनामा का उद्देश्य है। देखते रहिए सोलापुरनामा। तुम्ही एकटी नाही, समदेजन मिळून या, समदेजन पैसे जमा करा, तेव्हा आम्ही रिपेअर करता म्हटले। बाई आज जोडली ते बाबाला ससाण्याला, जर चांगलं करावं मला तर जीवाला बरं नाही, दम येवलाय। पण काय कितीदा ऑफिस मध्ये गेलो, चार वेळा त्याने काय म्हटले, 90,000 दिले तर तुमच्या एरिया सफाई होणार, नाही तर नाही। असं चांगलंच बोललं असं त्याला। आता बाई आलत आम्ही वही अडकते एम बी का गो लक्षण एम का 5,000 इरि పైపులు వేస్తామో అన్ని చేస్తాం అనుకుంటే ఇట్లా చెప్పిండ్రు, ఈ గడ్ర కోసానికి చెప్పి చెప్పి సాల్ అయింది ఆఫీస్ కు ససాని మళ్ళీ ఆడ మసాలు చెప్పడానికి ఇయ్యాడు, కొనాల పోతే బోల్ జానా అంటాడు, ఇంతగానము గడ్ర అయింది, ఎవరు లక్షని తీసుకోరు, దీని ఒక్కదాన్నే తిట్టాలి, ఆఫీస్ కోవాలి, గప్పుగా రావాలి. అసలు అది తురిని మండలేత్ కదా బాయిలా, బాయిలా మాతాజీ బాయిలా, అది రావిని బోల్లా ససాని అట్లానే అన్నాడు, అట్లానే చేస్తాడు, ఎవరు లక్షని అయ్యాడు వాడు. कितने दिन हुआ तुमने पानी आ गया अभी घर को? 11 दिन हुआ पानी। फिर अभी ये पानी नहीं छोड़े तो तुम ये पूरा बंद करने लेंगे? छोड़ते हैं।